हाई स्मार्ट पीपल यूर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन और हमारी आज की इस मुलाकात में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मोमेंट इस चैप्टर के आज हम थर्टी क्वेश्चन लगाने वाले हैं ऐसे ही नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चन हम कल लगाएंगे और उसके बाद फिर थर्टी क्वेश्चन और लगाएंगे एंड यर मोस्ट वेलकम टू दिस सीरीज दैट इज थ्री थाउजेंड क्वेश्चन इन हंड्रेड डेज तो इसमें आज के इस मुलाकात में जो क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं दे आर गुंग टू बी अ गुड क्वेश्चन एंड आपको पता है जैसे कि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो उस चैप्टर की शुरुआत होने पर आप एक पेन कॉपी साथ लेके बैठना एंड अगर आपने रिविजन नहीं किया इस चैप्टर का देन इट्स ऑल्सो फाइन बिकॉज यू नो हम सवालों के साथ रिविजन तो कर ही रहे हैं ठीक है तो सवाल नंबर फर्स्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वीडियो को पॉज करेंगे खुद से इसका आंसर निकालेंगे फिर आप इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे राइट सो क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग दैट आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है देखें आंसर तो फर्स्ट कह रहा है सीलिया हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ पैरामीशियम क्या सीलिया जो है वो पैरामीशियम के लोकोमोशन में मदद करते हैं तो इट्स करेक्ट

क्या हाइड्रा जो है वो अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके अपने प्रे को कैप्चर करता है तो इट्स ऑल्सो करेक्ट राइट तो इफ दिस हाइड्रा के पास टेंटिकल्स जो होते हैं वो उसकी मदद से बेसिकली अपने प्रे को कैप्चर करते हैं ठीक है थर्ड इज थिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन ह्यूमन एग्जिबिट्स द फ्लैजुलर मोमेंट टू प्रिपेयर द ओवन एक बार बताओ क्या फीमेल के अंदर फ्लैजुला पाया भी जाता है पहले ये सोचो एक बार ना होता ही नहीं है आपको पता है फ्लैजिला जो है ये मेल्स में पाया जाता है और मेल्स में भी पूरी बॉडी में से बस एक ही ऐसी एक ही ऐसी सेल है जिसमें फ्लैजुला होता है एंड डेट्स स्पम स्पम के अलावा कहीं और फ्लैजिला नहीं पाया जाता राइट right? फीमेल्स में अगर यहाँ पे सीलिया लिख के देता ना तो ये सही होता इसने सीलिया नहीं ना लिख के इसने फ्लैजुला लिख दिया है तो इट्स ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइन नेक्स्ट इज से माइक्रोफेज हेल्प लोकोसाइट्स ऑफ ह्यूम आर स्पेलाइज सेल्स दैट एग्जिबिट द अमीबॉइड मूवमेंट बाय फॉर्मिंग द द्लोपोड ये भी सही है आपको पता है मैक्रोफेजेस क्या होते हैं दीज आर द ईटर सेल्स राइट अगर डी ऑप्शन की बात करूं तो वी कैन से मैक्रोफेजेस क्या होती है दीज आर ईटर सेल्स और बात करें ऑप्शन नंबर सी के बारे में तो क्या गड़बड़ है आपको पता है सी के अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनमें फ्लैजुला एब्सेंट होता है राइट सो इन फीमेल्स फ्लैजिला

सो कंसिस्ट ऑफ ऑफ न्यूमरस मसल फाइबर्स तो आपको पता है कि लाइक हमारे पास अगर मान लो ये एक मसल है राइट right? तो क्या होता है इस मसल में मसल के अंदर आपको पाए जाएंगे बहुत सारे फेसिकल्स राइट right? हर एक फेसिकल को जब आप जोम इन करोगे मान लो ये एक फेसिकल है जिसको जोम इन किया तो इसके अंदर आपको मिलेंगे पतले पतले माओफाइब्रिल्स और हर माओफाइब्रिल्स जो है वो माओफिलामेंट से बना होता है राइट सो वी कैन से इट्स अ मसल right and this is what this is fasciculus right it is what it is fasciculus or fascicle single is fascicle right and it is basically made up of myofibril or we can say myofibrils fine

तो अगर मैं सीक्वेंस आपको बताऊं तो सीक्वेंस क्या होगा यहां पे सीक्वेंस बन जाएगा सबसे पहले होगी आपकी मसल इज नथिंग बट यू कैन से बंडल ऑफ uh, या मैं ऐसा भी कहता हूं कि जो किससे बना हुआ है ऑफ मायोफाइब्रिल्स और अगर हम आगे बात करें तो माओफेबल्स भी फर्दर बने होते हैं किससे मायोफिलामेंट से द थर्ड क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए बैंड तो ए बैंड के रिस्पेक्ट में कौन सी वाली स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है तो पहली बात तो सर होता है क्या ये आओ उसको जान लेते हैं तो देखो अगर ये हमारे पास एक मैं आपको सार्कोमिया का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं राइट सो इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वी कैन से हमारे पास होंगे टी टीबुल्स राइट जिसमें से कौन पास होती है जेड लाइन पास होती है जेड लाइन के साथ साथ ही आपके टी टेबुल्स लगे होंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन ठीक है और आपको पता होना चाहिए कि जेड लाइन किसे काटती हुई जाती है तो वी हैव एक्टिन हियर, हेयर विच आर द थिन फिलाेंट्स राइट सो दिस इज लाइक एक्टिन हियर, हेयर और यहां मैं बना सकता हूं क्या मायोसिन ऑल्सो सो शे वी हैव मायोसिन ऑल्सो ठीक है एक और मायोसिन बना लेते हैं थिक फिलामेंट ओके सो व्हाट आई कैन से ये जो आपके पास मायोसिन यहां पे प्रेजेंट है रेड कलर में मैं मैं यहां पे रेड कलर में मैंने, मैंने मायोसिन को रिप्रेजेंट किया है एंड व्हाइट कलर में कौन है आपके पास एक्टेन्स है मायोसिन को काटने वाली लाइन क्या होती है वी कॉल इट एम लाइन राइट सो दिस इज एम लाइन ठीक है दिस इज Z लाइन एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सार्को मियर फाइन अब सवाल पे आते हैं सवाल कह रहे हैं कि अच्छा ए बैंड और आई बैंड क्या होता है तो यू you नो know, जो पोर्शन हमारे पास है कौन सा मायोसिन वाला दिस इज कॉल्ड एज जिसमें आपके मायोसिन आ रहे हैं वी कॉल दिस एज ए बैंड राइट और जिस पोर्शन में आपको पता है कि बेसिकली uh, मायोसिन myos, नहीं आएगा है ना उस पर्टिकुलर रीजन को आप कहते हो आई बैंड बेसिकली कौन आ रहे होते हैं जिसमें आपके एक्टिन आ रहे होते हैं तो दिस इज व्हाट आई कैन से बिकॉज यहां पे भी कौन होगा यहां पे भी आपके एक और uh, say, so, जो बीच का रीजन बच गया ना दिस बीच के रीजन को आप कहते हो क्या आई बैंड फाइन और इसके बीच का सेंटर वाला पोर्शन जिसमें सिर्फ मायोसिन आ रहा है बिकॉज ए बैंड में तो मायोसिन भी आ रहा है और एक्टिन भी आ रहा है हल्का सा ओवरलैपिंग हो रही है बट ये वाला रीजन जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन आ रहा है या दो एक्टिन के बीच का डिस्टेंस वी कॉल दिस पर्टिकुलर रीजन एज कॉल दिस रीजन एज एच बैंड एच बैंड फाइन अब आते हैं सवाल पे कह रहा है इट अपियर्स डार्क इन कलर जो आपका ए बैंड है क्या ये डार्क कलर का होता है बिल्कुल सही है बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ मायोसिन तो मायोसिन से बनने वाली चीज जो होगी वो आपको एज अ डार्क अपियरेंस देने वाली है दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट फाइन तो आप कह सकते हैं सोल्यूशन के अंदर कि ए बैंड जो होता है दैट्स डार्क इन कलर डार्क अपियरेंस ड्यू टू ड्यू टू वॉट ड्यू टू मायोसिन फाइन सेकंड इज द एच जोन विच कंसिस्ट ऑफ ऑनली थिन फ्लामेंट तो जो आपका एच जोन है क्या उसमें सिर्फ थिन फिलामेंट होते हैं नहीं सिर्फ थिन फिलामेंट नहीं होते उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो थिक फिलामेंट होंगे सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट है ना थिन गलत है यहाँ पे थिन की जगह पे क्या आना चाहिए थिन की जगह पे यहाँ पे थिक आना चाहिए दैट इज मायोसिन नेक्स्ट इज सेइंग इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप्स द मायोसिन फिलामेंट ऑन आइदर आइदराइजेज सो यू नो ए बैंड में क्या है आपको पता है एक्टिन मायोसिन दोनों आ रहे हैं बिकॉज दिस प्रॉपर इज लाइक ए बैंड अब इसमें आप देख पा रहे हैं जो मायोसिन वाली लेंथ है ना उसमें हल्की सी एक्टिन भी अंदर की तरफ लाइक like, प्रोजेक्टेड हो रहा है सो वी कैन से कि जो ए बैंड है उसमें मायोसिन तो पूरा का पूरा आता ही है लेकिन साथ में हल्का सा ए बैंड भी इनवर्ट प्रोजेक्टेड इनवर्ट हो जाता है फाइन तो दोनों की ओवरलैपिंग हो रही होती है यहां पे जो आपका एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट फाइन ये लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है और लास्ट कह रहा है कि इट्स लेंथ रिमेंस सेम ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल सही बात है बिकॉज यू नो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन होता क्या है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन होता क्या है इस दौरान आपको पता है कि जो आपका मायोसिन एंड एक्टिन है ना मायोसिन एंड एक्टिन डू नॉट शॉर्टन इनकी जो लेंथ है ना वो शॉर्ट नहीं होती है सो वी कैन से अगर मायोसिन की लेंथ शॉर्ट नहीं होगी तो ए बैंड की लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगी और अगर वो शॉर्ट नहीं होगा तो वो बिल्कुल सेम रहेगा रिमेन उसकी लेंथ जो है वो रिमेन सेम रहेगी राइट सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सेम फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन एटी पेज एक्टिविटीज प्रेजेंट ऑन सो आपने देखा होगा कि यार स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो होती है उसमें होता क्या है कि आपके पास जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन के ऊपर बाइंड होता है और एक्टिन को स्लाइड कर देगा राइट सो so, अब इशू क्या होता है इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि यार मायोसिन के हेड के पास ए एक्टिविटी होगी लाइक वी कैन से एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी बिकॉज मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तो मायोसिन के पास क्या होगा एक तो होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट जहां पे वो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा और दूसरा मायोसिन के पास क्या होता है ए बाइंडिंग साइट होती है जिसकी मदद से वो रोटेशन शो करता है राइट right? तो आई कैन से सोल्यूशन की अगर बात की जाए इस सवाल में तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ये स्ट्रक्चर है मायोसिन का राइट right, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा हमारे पास राइट right, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि यहां पे एक साइट होगी विच इज बेसिकली कॉल्ड एस एटीपी बाइंडिंग साइट एटीपी साइट जहां पे एटीपेज एनजाइम आके बाइंड करेगा और एक साइट होती है इसकी कौन सी Which is called as so, this particular site is called as uh, actin binding site. Fine. So, we can say that this portion hai, it is basically called as head portion of this myosin, and this is called as tail portion. So, okay, it is called as tail portion. आपको पता होना चाहिए बीच में छोटी सी इसकी नेक भी होती है है ना छोटी सी नेक बना लेते हैं साथ में कोई बात नहीं और इसके अलावा दिस इज कॉल्ड एज लाइट मीरो मायोसिन इट इज कॉल्ड एज हैवी मायोसिन फाइन सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी तो जो आपका ए बाइंडिंग साइट होती है ए टी पी एक्टिविटी होती है वो कहाँ होती है हेड में पाई जाती है ऑफ द मायोसिन फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज सेइंग दैट चूज द ऑप्शन विथ ऑल द इनकरेक्ट इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन कौन सा इवेंट नहीं होता ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन साइज ऑफ सार्कोमियर जो होता है सार्कोमे का स्ट्रक्चर में देखा था तो डिक्रीज ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली बिकम लेस देन द साइज ऑफ द डाक बैंक जो अगर डाकबेंट क्या था आपको याद है मायोसिन क्या सार्कोमियर जो है वो मायोसिन से छोटा हो सकता है क्या सोच के देखो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर सो so, अगर देखा जाए तो पहले इवेंट्स क्या होता है मैं आपको वो समझा दूँगा जो एम या मायोसिन जो है ना मायोसिन एंड एक्टिन ये तो शॉर्ट नहीं होते डू नॉट शॉर्टन वाई क्योंकि आपको पता है ये सब क्या है ये तो आपके फिलामेंट्स है ना ये तो आपके प्रोटीन्स है ये छोटे थोड़े ना होंगे छोटा मतलब क्या है वहां पे जोन छोटा होता है जो एरिया है वो कम हो जाएगा ये स्ट्रक्चर्स कम नहीं हो सकते इनकी लेंथ कम नहीं होगी

तो वी कैन से इट बिकम नेग्लिजिबल बिकम नेग्लिजिबल फाइन इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो आपका ए बैंड है है ना इट विल ऑल्सो नॉट शॉर्टन ये भी छोटा नहीं होगा फिलहाल तो होता है ए बैंड किससे बना होता है मायोसेन से जितना बड़ा मायोसेन उतना ही बड़ा ए बैंड तो अगर मायोसिन छोटा नहीं हो रहा तो ए बैंड भी छोटा नहीं होगा राइट right? और फोर्थ कह रहा है आपसे कि आ, अगर हम बात करें किसके बारे में आई बैंड के बारे में तो यस आई बैंड जो है वो शॉर्टन होता है फाइन अभी थोड़ा बहुत आपने सीख रखा होगा पहले से तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टू मच तो वी कैन से एच जोन हो गया आपका ए बैंड हो गया आई बैंड हो गया मायोसिन एक्टिन की लेंथ हो गई ये सब कुछ नहीं होता तो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को छोड़ के बाकी ऑप्शन एक बार चेक करें ना तो क्या होगा जो साइज ऑफ आई बैंड है क्या आई बैंड छोटा होता है इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज कोई भी नहीं होता ये भी गलत है साइज ऑफ एच जोन जो है क्या वो सेम रहता है एज ऑफ डार्क तो नहीं ये सेम नहीं रहता ये बेसिकली क्या होता है जो एच जोन है वो बेसिकली uh, बिल्कुल नेग्लिजिबल बिल्कुल खत्म ही हो जाता है राइट अब फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो आपको थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा होगा तो वी कैन से साइज ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली बिकम लेस देन द डार्क बैंड तो अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर में दिखा दूँ ना सो इफ दिस इज सार्कोमियर जिसमें आपको पता है कि इफ दिस इज वन जेड लाइन दिस इज सेकेंड जेड लाइन फाइन और यहां पे अगर हम बनाएं मायोसिन और एक्टिन को तो फॉर एग्जाम्पल शेयर आई हैव दिस एक्टिन एंड वी हैव द मायोसिन हेयर ये तो हो गया आपके एक्टिन ठीक है यहां मैं बनाता तो हूँ मायोसिन को ये हो गया मायोसिन तो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यार जो आपका सार्कोमियर है वो डिक्रीज ग्रेजुअली आपको पता है सार्कोमियर इस जेड लाइन जेड लाइन कॉन्ट्रेक्शन पे पास आएगी कम होगी लेकिन क्या ये जेड लाइन जो है क्या ये मायोसिन से छोटी हो सकती है मायोसिन से छोटे होने का मतलब क्या है कि यार ये जो जेड लाइन है ना ये एकदम पास आते आते जो इसके ऊपर एक्टिन लगे हैं वो एक्टिन आपस में टकरा गए हैं और टकराने के बाद कोलाइड कर गए हैं ऐसा नहीं होता ये जोन जो है ना एच जोन ये खत्म जरूर हो जाएगा राइट लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो एक्टिव है आपस में कोलाइड करके एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं ऐसा नहीं होने वाला तो वी कैन से ये जेड लाइन मैक्सिमम कितना पास आ सकती है इसके पास आ सकती है इतने यहां तक यहां से लेके ये यहां तक आ सकती है जहां तक आपका मायोसिन है मायोसिन से छोटी नहीं हो सकती जेड लाइन बिकॉज छोटी होने के बाद कहां घुसेगी अंदर अंदर घुस ही नहीं सकती है राइट सो वी कैन से कि ये कह रहा है कि डिक्रीज ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली बिकम लेस देन द डार्क बैंड

याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो एक काम करते हैं इसको फरावट से रिवाइज करते हैं कह रहा है रेड मसल फाइबर्स है? क्या उसके पास लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होता है नहीं प्रोसेस इज हाई अमाउंट ऑफ सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या उसके पास ज्यादा मात्रा में सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम होगा uh, तो आप कह सकते हो नहीं वो भी कम होगा राइट right? क्योंकि रेड मसल फाइबर है डिपेंड्स ऑन रेस्पिरेशन नहीं इट डिपेंड्स ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन और अगर को वो रेस्पिरेशन करता है तो उसके पास ए ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए और माइटोकॉन्ट्रिया भी ज्यादा होना चाहिए दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर फाइन दिस इज द करेक्ट आंसर हल्का से मैं आपको रिवाइज करा दू भाई एक आपका, आपके पास है रेड मसल फाइबर राइट और एक आपके पास है व्हाइट मसल फाइबर एक है आपके पास रेड मसल फाइबर और एक है आपके पास वाइट मसल फाइबर राइट इसमें अगर हम बात करें तो आई कैन से आई कैन से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो आपका रेड मसल फाइबर है ना इसके पास तीन चीज़ें ज़्यादा होती हैं है ना उसके पास कम हो जाएंगी तो इसके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है इसके अलावा इसके पास ब्लड कैपिलरी ज़्यादा होती हैं ठीक है तो इट हैज प्लेंटी ऑफ मायोग्लोबिन इट हैज प्लेंटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज और इसके अलावा इसके पास आप कह सकते हैं ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी इसके पास माइटो यू कैन से माइट्रोकिया ज्यादा होंगे इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे तो मोर एटीपी इट कैन बेसिकली प्रोड्यूस इसके अलावा ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा फाइन और इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कम होंगे इसके पास राइट right? तो ऐसे कुछ पॉइंट थे तो उसके ऑपोजिट पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं फाइन तो वी कैन से ऑपोजिट पॉइंट विल बी देव राइट सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे सेंग दैट इन ह्यूमन स्कैल्टन द नंबर ऑफ लिम्स बोन आर ना ये क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना रहता ना ये ऑप्शन नहीं होते तो क्वेश्चन बहुत ईजी था लेकिन ये ऑप्शन ना उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया और ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं राइट right? मतलब ऑप्शन आर देयर फॉर योर हेल्प है ना कि आपको ऑप्शन दे दिया आंसर दे दिया अब चूज कर लो कौन सा आंसर है यहाँ पे इस ऑप्शन ने ही आपकी मुसीबत खड़ी कर दी है क्वेश्चन रीड करो फिर ध्यान से फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर चलिए देखते हैं आंसर तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है इन ह्यूमन स्केल्टन द नंबर ऑफ लिम बोन्स लिम बोन्स के आपको अगर मैं पूरा स्केल्टन सिस्टम याद दिलाऊं तो अगर स्केलेटन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं So, इसमें दो तरह के सिस्टम्स आते हैं एक आता है एक्जेल स्केल्टन सिस्टम एक आता है अपेंडिकुलर हमने लिम्स किसमें है? अपेंडिकुलर में पढ़ी है ना सो so, से कि जो अपेंडिकुलर है उसको मैं आगे डिवाइड कर सकता हूं दो पार्ट्स में एक होंगे लिम्स वाला पार्ट एक होगा गेडल्स वाला पार्ट राइट जो लिम्स हैं वो आपको पता है दो होंगी फोर लिम और हिंड लिम्स तो अगर फोर लिम्स की बात मैं करूं और हेंडलिम्स की अगर मैं बात करूं राइट right? जो फोर लिम्स है हमारे पास वो कैसी होंगी जो फोर लिम्स हमारे पास है, दो है ना हमारे पास तो एक में थर्टी होंगे एक में थर्टी होंगे हैंडलिम्स में भी क्या होगा एक में थर्टी एक में थर्टी लेफ्ट एंड राइट सिंपल यहां पे आते हैं अब तो सवाल क्या कह रहा है आपसे कह रहा है ट्वेंटी टाइम्स द नंबर ऑफ गिडल बॉन्स आप सोचो गिडल्स बोन कितनी होती है छह होती है हमारे पास तो क्या ट्वेंटी टाइम्स द नंबर ऑफ गिडल्स गिडल्स कितनी है छह है और इसका ट्वेंटी टाइम्स कितना होता है वन ट्वेंटी और क्या हमारे पास लिम्स वन ट्वेंटी नहीं होती है सबको मिला लो वन ट्वेंटी तो कहना है वो किसके बराबर है ट्वेंटी टाइम्स द बोन्स सही है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अब क्वेश्चन क्या करेगा क्वेश्चन आपको ऑप्शन नंबर ए नहीं देगा ये ए ऑप्शन उठा के लास्ट में डाल देगा ताकि आप ये तीन ऑप्शन पहले सॉल्व करो और लास्ट वाले को आप बाद में सॉल्व करो राइट right. तो बाकी आप देखोगे तो गलत होगा सिक्सटी टाइम्स नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं हमारे पास सिक्स होते हैं और इसका सिक्सटी टाइम्स कितना हो गया थ्री सिक्सटी हो गया विच इज रॉन्ग राइट नेक्स्ट कह रहे हैं थर्टी टाइम्स नंबर ऑफ क्रेनियम बोन्सियम बोन्स कितनी होती है आठ होती है इसका थर्टी टाइम टू फोर्टी हो गया विच इज रॉन्ग नेक्स्ट कह रहे हैं टू टाइम्स ऑफ बोन्स ऑफ एक्सल स्केटन हमारे पास एक्सल स्केल्टन में कितनी बोन्स आती है एटी और इसका टू टाइम्स मतलब इज़ फाइन तो क्वेश्चन इजी है बट स्टिल डिपेंड्स अपॉन है ना आपने आपको कितना रिलेट कर सकते हो आप क्वेश्चन को प्रीवियस नॉलेज के साथ एर्थ अ पेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बोन ऑफ द स्कल ह्यूमन स्कल फॉर्म्स द डायकोंडाइलिक जॉइंट विद द बोन्स ऑफ द स्ट्रक्चर इज वट इज दैट स्ट्रक्चर देखें तो कह रहा है अगर ये ह्यूमन स्कल है तो ह्यूमन स्कल में जो कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं है ना ह्यूमन स्कल इज बिकॉज इट टू तो इसके नीचे जो वटिप्रा होगा वो जुड़ेगा इन कॉन्डाइल्स के साथ राइट इट्स लाइक अ लॉक एंड की स्ट्रक्चर तो इट्स लाइक दिस इज द की एंड दिस इज द लॉक तो एक दूसरे को आपस में घुसा के आप उसे लॉक कर सकते हो राइट तो वी कैन से अ पेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बोन ऑफ ह्यूमन स्कल फॉर्म्स द ट ऑफ दिस तो आपके uh, ये जो स्कल है इसमें दो स्ट्रक्चर पेयर में मतलब वन पेयर मतलब दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एंड दीज टू स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एस वी कॉल्ड हॉसिपिटल कॉन्डाइल ऑस्पिटल कॉन्डाइल एंड दीज कॉन्डाइल्स बेसिकली फॉर्म्स और गेट अटैच विद दी कैन से वर्टिपल फर्स्ट विच इज यू कैन से एटलस तो ये एटलस के साथ ज्वाइन करेगा एंड आई कैन से इट विल फॉर्म द कॉन्डाइलर जॉइंट तो कॉन्डाइलर ज्वाइंट बन गया किसी ने बनाया तो इस स्कल का वो कौन सा पार्ट था दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल तो वी कैन से सोल्यूशन में दैट ह्यूमन स्कल इज डायलिक आपको पता है फ्रॉक का स्कल कैसा होता है फ्रॉक का जो स्कल होता है ना वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है मोनो कॉन्डाइलिक ठीक है एंड दिस वी कैन से एज अ नोट पॉइंट हेयर कि जो आपका ऑसिपिटल कॉन्डाइल है है ना आपका जो ऑसिपिटल जॉइंट जो है वो किससे बनता है वो बनता है बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड फर्स्ट वर्टिग्राफ फर्स्ट वर्टिब्रा एंड दस फाइन इनके बीच में आपका सबसे पहला वाला जॉइंट जो है क्वेश्चन स्ट्रक्चर फ्रॉम द गेवन बिलो इन दॉक्स आर इंक्लूडेड एज अ गेडल ऑफ अ पेंडिकुलर स्कैडल नाउ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आप खुद ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा राइट इट्स अ गुड क्वेश्चन देखे तो वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को खुद से जरूर अटैम्प्ट करना है बिकॉज इट्स अ नाइस क्वेश्चन बाकी आप समझ चुके हैं राइट right? देखिए तो कह रहे हैं कितने स्ट्रक्चर हैं इस बॉक्स के अंदर जो कि आपके अपेंडिकुलर स्कैल्टन या गिडल्स बेसिकली है ना अपेंडिकुलर गिडल्स में अपेंडिकुलर स्केल्टन में जो गिडल्स होती है ना हमारे पास सिक्स बोन्स आती हैं दो गिडल्स होती हैं पेल्विक गिडल और पैक्टोरल गेडल राइट तो आपको बताना है उसमें तो से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होंगे देखें क्या कॉक्सल बोन इंक्लूड होगी यस सर क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन में रिवीजन देखें तो हम कह सकते हैं कि जो दो गेडल हमारे पास प्रेजेंट है है ना एक को आप कहते हो पेक्टोरल गेडल और एक को आप कहते हो पेल्विक गेडल आपको पता है पैक्टोरियल गेडल में कितनी दो बोन्स आती हैं टू बोन्स इन ईच गेडल राइट आपको पता है कि हमारा एक पेक्टोरियल गेडल यह होगा और एक पैक्टोरल गिडल ये वाला होगा तो हर एक पैक्टोरल गिडल में दो बोन्स आती है कौन सी एक आगे वाली क्लेविकल दैट इज पीछे वाली स्कैपुला राइट सो आई कैन जस्ट मैं टू बोन्स इन ईच गिडल मतलब दो इस तरफ होंगे दो इस तरफ होंगे तो चार बोन्स आ जाएंगे इसमें है ना टोटल फोर बोन्स और वो कौन कौन सी है दैट इज क्लेविकल एंड स्कैपुला फाइन वही अगर हम बात करें पेल्विक गेडल की तो पेल्विक गेडल में वन बोन आती है ईच गेडल के अंदर वन बोन इन ईच गेडल फाइन और वो कौन सी बोन है तो टोटल कितनी हो जाएंगी एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी तो यहां पे दो आपकी बोन्स होंगी एंड दैट विल फॉर्म टू गेडल्स तो कैन से टोटल टू बोन्स और उस एक बोन का नाम क्या होता है जो आपके लेफ्ट में और सेम बोन आपके राइट right में है तो वी कैन से उसे कहते हैं कॉक्सल बोन राइट right? उसे कहते हैं कॉक्सल बोन फाइन या इनोमिनेट बोन भी कहते हैं उसको अब आते हैं आंसर पे तो क्या कॉक्सल बोन पार्ट है आपके गिडल का यस सर इट्स अ पार्ट ऑफ अ गिडल क्या इलियम पार्ट है नहीं ये इंटरसाइन में आता है सैक्रम पार्ट है क्या नहीं स्कैपुला पार्ट है सैक्रम नहीं है सैक्रम वटिब्रा में आता है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग फीमर है क्या नहीं ये आपके लिम्स में आता है है ना इन पेंटिकुलर वी हैव लिम्स लिम्स एंड ये में आता है आपका क्लेविकल की बात करें क्लेविकल है क्या हाँ ये है पटेला एंड टीबिया ये अगेन किस में आते हैं आपके लिम्स में आते हैं तो ये भी नहीं होंगे तो वन एंड टू वन एंड टू तो दो पार्ट हैं जो कि इन्वॉल्व है आपके गेडल्स के अंदर क्या आपने सही आंसर लगाया था इसका कमेंट में येस और नो राइट तो क्वेश्चन नंबर जो आपका नाइन्थ है जिस बच्चे ने सही जवाब लगाया होगा आई फील इट के यार आपकी प्रिपरेशन ओके ओके है लाइक फ्रॉम दिस चैप्टर ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है फाइन अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन्थ

This is what I can say uh, your atlas and this is um, you can say axis. तो so, atlas और axis ऐसे आपस में join होते हैं and it forms no bone. जैसे मैं अपने head को कर पा रहा हूँ तो ये यही वाला scene हो गया यहाँ पे ठीक है जैसे मैं हाथों कर रहा हूँ तो this is the same one and this is called as pivot joint. मेरा सर घूम गया, ठीक है? So pivot joint is a correct answer. Fine. तो we can say pivot joint is present there and I can just mention this versus Atlas, this is axis and they both combine to form which pivot join. Pivot और ये रेडियस है उल्ना और रेडियस को देखो अगर आप इस वाले पार्ट से देखोगे ना और इसको आप ऐसे मूव कराओगे तो यहां पे ये मूव नहीं करेगी लेकिन यहां मूव कराओगे ना प्रॉक्सिमल वाले पार्ट तो आप देख पा रहे हैं ये ऐसे है ऐसे हो गया ऐसे है ऐसे, है, ऐसे हो गया तो वन एटी डिग्री पे मूव कर पा रही है सेम वाला हेड है अगर इसको मैं ऐसे मान लूँ तो ऐसे ऐसे नहीं हो रहा तो यहां पर भी क्या होगा सेम चीज होगी कि ऐसे और ऐसे और ये ऐसे, ऐसे मूव कर रहे हैं एज वेल एज वन मोर प्लेस विच इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल रेडियो तो यहां पे भी कौन सा जॉइंट होता है आपका

कौन सा इनमें से मिसमैच आपको ये बताना है तो हम कह सकते हैं कि टेटनी जो होती है क्या ये लो कैल्शियम लेवल की वजह से होती है बिल्कुल सही है सही है दिस इज राइट गॉड जो होता है क्या ये डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिक प्यूरिन आपको पता है यूरिक एसिड बिल्कुल सही है यूरिक एसिड के अक्यूमलेशन की वजह से होगा ऑस्ट्रियोपोरिस जो है क्या डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से होता है फीमेल्स में ये भी सही है

देन ऑल्सो इट कैन लीड टू वट इट कैन लीड टू डिकेल्सिफिकेशन या फिर ऑस्टियोपोरसिस ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और मिसमैच बिकॉज ये कह रहे हैं कि जो आपका मस्कुलर uh, डिस्ट्रॉफी होती है ये विसरल मसल्स के डिजनरेशन की वजह से होता है विसरल मसल्स आर योर स्मूथ मसल्स लेकिन क्या इस चैप्टर में हमने स्मूथ मसल पर कोई जिक्र किया है नहीं हमने तो स्केल्टन सिस्टम पढ़ा है तो हमने तो स्केल्टन मसल्स पढ़ी हैं स्मूथ मसल्स तो पढ़ी ही नहीं है सो दिस इज बेसिकली वी कैन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता जरूर है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी दैट इज बेसिकली यू कैन से ये आपका एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है राइट right? और इसमें आप कह सकते हो तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो है वो एबसेंट नहीं होता डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन इज एब्सेंट और ये किसमें होता है ये बेसिकली पार्ट है आपके करेक्ट आंसर so, आते हैं इस्तेमाल हम कहां करते हैं हाँ जी तो देखो दो वर्ड्स है हमारे पास एक है बाईसिफेलिक एक होता है हमारे पास डायकॉन्डाइलिक और एक होता है एम्फी पटेलियन राइट सो डिफेलिक वर्ड हम यूज करते हैं रिप्स के लिए डाय वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं स्कल के लिए ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए राइट सो इज़ द वर्ड वी यूज फॉर द स्कल स्कल है वर्ड वी यूज फॉर रिप्स बाकी रिप्स होती है नाइक दिस इज द रिब तो इस रिप में क्या होता है जो पीछे वाली डॉटसल साइड है और यह वेंट्रल साइड है डॉसल तो साइड में ना इसके पास क्या होता है इस तरीके से दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एक को आप कहते हो और एक को आप कहते कैपिचुल ट्यूबरकल तो दो स्ट्रक्चर इसके पास है इसीलिए इसे कहते हैं बायिक दो मतलब क्या होता है बाय बायिक अंडरस्टूड सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ये टर्म हम जो है ये रिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं दिस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं सिंग दैट सेलेक्ट द बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केल्टन विच ऑल्सो आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद द एक्जियल स्केल्टन तो वो कौन सी वाली बोन्स हैं आपके स्केल्टन सिस्टम की जो डायरेक्टली अटैच होती है एक्जियल स्केल्टन के साथ तो अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को फिर साथ में देखते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन सो so, आओ वही सोल्यूशन देखते हैं इसका है ना क्वेश्चन में कहा गया था कि यार अपेंडिकुलर स्केल्टन का वो कौन सा वाला पार्ट है जो कि एक्जियल स्केल्टन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है

स्कैपुला की बात की जाए तो स्कैपुला जो है क्या ये आपके अपेंडिकुलर का पार्ट है यस yes. क्लेविकल अपेंडिकुलर का पार्ट है यस yes. अब इनमें से कौन सा वाला स्ट्रक्चर डायरेक्टली अटैच होता है आपके एक्सियल के साथ तो अगर आपको याद आए ना ये स्टर्नम होती है, क्या, हो है? ये क्या होती है ये स्टर्नम होती है राइट right? और आपको पता है यहां से आ रही होंगी रिप्स राइट right? तो आपको पता है कि जो सबसे ऊपर यहां पे क्या होगी हमारे पास यहां पे होगी क्लैविकल राइट क्लैविकल इज वर्ड इट इज अ कॉलर बोन और कॉलर बोन किसके साथ जुड़ती है इस इट अटैचेस विद द मनुब्रियम तो क्लेविकल एंड दिस इज मनोब्रियम इज अ पार्ट ऑफ एक्सलिड एंड दिस इज दार्ट ऑफ अपेंडिकुलर राइट तो वो कौन सा पार्ट है अपेंडिकुलर का जो डायरेक्टली अटैच होगा एक्सल के साथ एंड इज कॉल्ड एज क्लेविकल दिस इज गोइंग टू विदर फॉर द क्वेश्चन ओके तो यह हमारा आंसर नहीं है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड गो राइट नेक्स्ट फोर्टीन क्वेश्चन पे आते हैं

फिलामेंट मोटे मोटे लोग राइट right? तो ये जो आपका यहां पे लाइन होती है ना दिस लाइन बेसिकली, इज कॉल्ड एज एम लाइन और यही हमारा सवाल है राइट right? तो कौन सी वो लाइन है जो बाइसेक करती है आपके एक्टिन को दिस इज ऑप्शन नंबर ए तो वी कैन से एम लाइन जो है इट एक्टिन ठीक है और जो आपकी जेड लाइन है मायोसिन तो ये दोनों ही बातें आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर इज सेइंग दैट एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज मार्क्ड बाय एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन तो आपको पता है एक्टिन किस किससे मिलकर बना होता है तो सवाल का मतलब क्या है? पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं सवाल में कह रहा है कि जो आपका एक्टिन होता है ना

राइट right. सेकेंड जो स्ट्रक्चर होता है ट्रोपोमायोसिन ट्रोपो मायोसिन एंड थर्ड इज कॉल्ड एस ट्रोपोनिन थर्ड कॉल्ड एस ट्रोपोनिन ठीक है डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं तो आई कैन से दिस इज वॉट आई हैव एफेक्टिन फाइन इसके बीच में लंबी सी जो रो, रोप जा रही होगी दिस इज कॉल्ड एस ट्रोपोमायोसिन दिस इज कॉल्ड एस ट्रोपोमायोसिन और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आप देखेंगे जो तीन सब यूनिट का स्ट्रक्चर बैठा हुआ होगा दैट इज कॉल्ड एस ट्रोपोनिन सो दिस इज वट आई कैन से इट इज ट्रोपोनिन दिस इज एंड दिस इज एफेक्टिव और आपको पता है ये वो पोर्शन है जहां पे क्या होगा आई रिपीट ये वो पोर्शन है जहां पे आपकी ये होगी मायोसिन बाइंडिंग साइट मायोसिन एक्टिव साइट यहाँ पे आपके मायरसिन आके बाइंड करने वाला है तो ये बेसिकली कवर हो रखी है किससे आपके ट्रोपोनिन से ट्रोपोनिन पे जैसे ही कैल्शियम आएगा कैल्शियम साइड कर, कर देगा और ये वाली बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी सिंपल so ट्रोपोनिन है जो कवर करता है एक्टिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट को फाइन क्वेश्चन नंबर बिटवीन द एटल एंड एक्सम कर चुकेजी एटल फर्स्ट वर्टिवरा एंड दिस इज सेकेंड विच इज एक्सिस क्वेश्चन का बस ना रुख बदल दिया मोड बदल दिया और फिर आपको ऑप्शन चेंज कर दिया नया क्वेश्चन बन चुका है सो दिस पर्टिकुलर ज्वाइंट इज वट वी कॉल्ड एज पाइवेट ठीक है इसको हम कहते हैं पाइवेट जॉइंट सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एटल एंड एक्सेसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फाइट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आ जाओ भाई कह रहे हैं

डायकोंडाइल्स हैं वो आके कैसे अटैच हो जाएंगे राइट फाइन सो आई कैन से स्कल आर्टिकुलेट विद सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स सही है सो so, uh, अगर हम बिकॉज लगा के देखें तो हम कह सकते हैं ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक बिकॉज स्कल आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम कॉलम है उसका अपर मोस्ट पार्ट है

सबसे ज्यादा मूवेबल ज्वाइंट है हाँ भाई देख लो ऐसे करके ना दिस इज द मोस्ट मोबाइल ज्वाइंट राइट नेक्स्ट रीजन कह रहा है साइनोवियल फ्लुइड इज द फ्लूड विच अस लाइक मोबिलिटी दैट इज वाई वी कंसिडर्ड ऑल द साइनोवियल फ्लूड इन द कैटेगरी ऑफ फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट राइट सो आई कैन सेव इन दोल्यूशन यस जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इट्स मोस्ट मोबाइल जॉइंट मोस्ट मोबाइल जॉइंट सेकेंड आई कैन से यस इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट तो दोनों ही सही है है ना असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है लेकिन क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको शायद लग रहा होगा कि हाँ भाई एक्सप्लेन भी कर रहे हैं बिकॉज साइनोवियल थ्रूड इज देयर तो इट्स मोस्ट मोबाइल बट एक बात सोचो आपकी बॉडी में जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं जैसे कि साइनोवल हो गया हिंज हो 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 गया 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 ग्लाइडिंग है ना आपका बॉल एंड सॉकेट इन सबके पास ही तो साइनोवियल प्रेजेंट है तो सारे के सारे मोस्ट मोबाइल क्यों नहीं है तो अगर कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट सबसे ज्यादा मोबाइल है तो भाई सैनोवल फ्लूड तो कारण नहीं होगा बिकॉज सैनोवल फ्लूड सबके पास है तो सभी मोस्ट मोबाइल होने चाहिए थे है ना तो वी कैन से फिर से कारण क्या होता है इसकी मोस्ट मोबिलिटी का मोस्ट तो मोबिलिटी का कारण होता है इसके अंदर जो बोन्स की अरेंजमेंट है अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इज द रीजन इज द रीजन फॉर मोस्ट मोबिलिटी अब आए समझ में तो साइनोवल फ्लूड है इस वजह से वो मोस्ट मोबाइल नहीं है लेकिन मोबाइल है मगर वो सबसे ज्यादा मोबिलिटी क्यों है उसमें क्योंकि उसकी जो बोन्स की अरेंजमेंट है ना कप और बॉल लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट इट इज मोस्ट मोबाइल फाइन तो क्या आंसर होगा इसका असर्शन सही है रीजन सही है मगर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं राइट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सेंग दैट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इज एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है ना इट इज बेसिकली एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बिल्कुल सही है

फिल्मेंट एंड रीजन जो है वो तो गलत हो जाएगा लेकिन नंबर ट्वेंटी से होता है उसे टेटनी कहते हैं हाँ भाई जो सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो टेटनी जो है दिसऑर्डर जहां पर क्या होगा रैपिड Spasm. या आप कह सकते हो रैपिड वाइल्ड स्पेजम रैपिड स्पेजम ऑफ वाइल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक है वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स फाइन तो जो आपकी मसल्स हैं वो वाइल्डली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड वहां पे रैपिड स्पैजम होगा बिकॉज ऑफ द लेस कैल्शियम आइंस कैल्शियम की वजह से तो वी कैन से रेपिड स्पैज इजनी बिल्कुल सही है डिक्रीज कैल्शियम लेवल राइट तो ये यहां पर बात जो है इसने लिख दिया तो ये इसकी गड़बड़ हो गई विच इज रॉन्ग सो दिस इज रॉन्ग दिस इज करेक्ट वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फाइन ट्वेंटी वन पे आते हैं कह रहे हाउ मेनी स्टेटमेंट आर फॉल्स फ्रॉम द गि बिलो कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है आपको ये बताना है ठीक है तो क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए देखते हैं साथ में कह रहा है स्विचर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ अ फाइबर जॉइंट इन द इनियम बोन राइट यू नो दैट हमारे पास जो स्विचर जॉइंट्स होते हैं स्विचर ऑफ क्रेनियम बोन वो क्या है वो एग्जाम्पल है किसके फाइबर ज्वाइंट का फाइबर ज्वाइंट फाइबर ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंग आर्थरोसिस राइट right? तो सिंग आर्थरो आर्थरोसिस का ये एक एग्जाम्पल है और क्या एग्जाम्पल होता है आपको पता है मैंडिबल्स में जो आपके तीत होते हैं तीथ इन जॉ तो जॉ में जो तीत हैं वो भी एग्जाम्पल है किसके आपके फाइब्रस जॉइंट का नेक्स्ट है माइसेंथिया ग्रेविस जो है क्या ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सो so, नहीं इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट? आपको पता है कि जो आपका माइसेंथिया uh, ग्रेविस या सॉरी माइसेंथिया ग्रेविस जो है वो आपका आप कह सकते हैं माइसेंथिया ग्रेविस एंड माइसेंथिया रोमेटॉइड ओके दिस इज करेक्ट राइट दिस इज नॉट रॉन्ग माइसेंथिया ग्रेविस जो है वो आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है लेकिन जो माइसेंथिया रोमेटॉइड uh, होता है ना वो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है सो दिस इज करेक्ट और इसमें होता क्या है इस आपको पता है कि जो आपके मेमरी uh, है ना विच इज योर सार्कोलेमा सार्कोलेमा पे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं फॉर द ए सी एच या न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए उनको आई जी एम नाम की एंटीबॉडीज मार देती है एंड दैट बेसिकली कॉज इज द माइसेंथिया ग्रेविस राइट सो आई कैन से आई जी एम एंटीबॉडीज किल्स रिसेप्टर्स ऑफ सार्कोलेमा एंड दिस इज कॉल एज माइसेंथिया ग्रेविस

थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हे फाइन। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे आते हैं होपफुली क्वेश्चन को आप खुद से अटैम्प्ट कर रहे हैं है ना अच्छे सवाल हैं कोई ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ चैप्टर ईजी है तो यार यूँ हो जाएगा देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आप इन सवालों को लगा पा रहे हैं इट मीन्स दिस चैप्टर इज़ फुल्ली प्रिपेयर फॉर यू ठीक है तो ये चेक करने के लिए भी सेशन देख लिया करो ठीक है नेक्स्ट बट देखा करो कह कर रहे बॉल सॉकेट ज्वाइन जो है ना बॉल एंड सॉकेट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पैक्टोरल ग्रेडल तो आपके जो ह्यूमरस है और जो पैक्टोरल ग्रेड है इसके बीच में होता है क्या सही है इसका ये हो जाएगा हिंड जॉइंट कहाँ पे होता है आपको पता है हिंड जॉइंट इज दिस वन दिस एंड दिस सेम नी में होता है ये सेम आपके इंटर में होगा जो आपकी उंगलियाँ हैं यहाँ पे राइट सो वी कैन से हिंड जॉइंट इज बिटवीन लाइक नी दिस इज दैट ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें यहाँ पे डी आएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है यहाँ पे होता है तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपका ये वाला है ऐसे वाला राइट एंड दिस इज प्रेजेंट बेसिकली ऑन बिटवीन द कार्पल्स तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट का थर्ड हो जाएगा एंड सैडल ज्वाइंट कहाँ पे होता है तो आपको पता है ये आपका थम् है या आपका हैंड है इसमें यहाँ पे कार्पल्स होंगी और यहाँ पे कौन है ये तो आपकी फैरेंजेस हैं दो फेरेंजेस थम्ब की लेकिन बीच में कौन है बीच में है मेटाकार्पल तो मेटाकार्पल और कार्पल्स यहाँ पे जो जॉइंट होता है ना दिस इज कॉल्ड एज सैडल जॉइंट यहाँ पे तो आप अपने हाथ को ऐसे करो अपनी फिंगर लो उसको यहाँ पे लगाओ इस पॉइंट पे एंड यू विल फील व्हेन यू मूव योर थंब लाइक दिस तो यू विल फील अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट है तो आपको फील होगा कि कुछ है यहाँ पे कोई जॉइंट है यहाँ पे एंड दैट जॉइंट इज कॉल एज सैडल जॉइंट सो दिस इज दिस वन अकॉर्डिंगली आप इसका मैच कर सकते हैं आंसर राइट right? देख लें क्या होगा आंसर फर्स्ट का हो जाएगा ये और अगर मैं बात करूँ डी का डी का क्या हो जाएगा सेकेंड तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फाइन नेक्स्ट पे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच सेट क्लियरली आइडेंटिफाइज द स्ट्रेट मसल्स इनमें से कौन सा वाला क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है स्ट्रेट मसल्स तो अगर बात की जाए कि इनमें से कौन सा स्ट्रेट मसल्स है तो स्ट्रेट मसल्स क्या होते हैं मतलब जिसमें स्ट्राइशन पाई जाए तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव द स्केल्टल मसल जिसमें क्या होती है स्ट्राइशंस होती है ना वी कैन से दिस इज अट्राइटेड मसल्स कैन so से जो स्ट्राइट मसल होते हैं वो सिलेंड्रिकल होती है क्या यस दे आर सिलेंड्रिकल क्या सेंसाइशियम होती है यस दे आर सेंसाइशियल सेंसाइशियल मतलब दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सर आपको कैसे पता <laughs> देखा तो है नहीं आपने देखा है भाई आपके सर ने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे हैं बायोलॉजी के अनोटमी भी देखी है जहां तो पर अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल में आपने जब ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा ना स्कैटल मसल का तो यहाँ पे आपने बहुत सारे न्यूक्लियस ड्रॉ किए होंगे बिकॉज एक्चुअली आपकी जो स्केल्टल मसल है वो किससे बनती है बहुत सारे मायोब्लास्ट सेल की फॉर्मेशन से बनती है तो जो आपके बहुत सारे मायोब्लास्ट होते हैं लाइक फॉर वन एग्जाम्पल सेकेंड थर्ड फोर्थ दीज आर मायोब्लास्ट तो इन सबका न्यूक्लियस मिला होगा तो एक स्ट्रक्चर बनाए तो इट विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड विच इज कॉल्ड एजियल राइट सो दिस इज द करेक्ट वन तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो स्केल्टल मसल है

मायोसिन क्या था माओसिन एक पॉलीमरिक फॉर्म है या आपकी मोनोमरिक फॉर्म है पहले ये सोचो तो जो आपकी मायोसिन है वो है तो खुद तो एक फॉर्म है और उसके हैं? उसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं मीरो राइट मीरो पॉलीमराइज टू फॉर्म दिस मायोसिन पॉलीमराइज फॉर्म मायोसिन ये तो एक्टिन की कहानी सॉरी मायोसिन की कहानी अगर हम एक्टिन की बात करते हैं तो एक्टिन में क्या होगा आपको पता है एक्टिन एक्टिन में एफ आएगा और जी एक्टिन आएगा तो आपको पता है कि इनमें से कौन आपका बेसिकली मोनोमरिक है और कौन सा वाला आपका पॉलीमरिक है आपको ये बताना है तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमरिक एफ एक्टिन है और जी एक्टिन मोनोमरिक है या फिर एफ एक्टिन मोनोमरिक है और जी एक्टिन जो आपका वो है वो पॉलीमरिक फॉर्म है तो आपको पता है बहुत सारे जी एक्टिन से मिलके आपका एक एफ एक्टिन बनता है तो जी एक्टिन मस्ट बी अम पॉलीमरिक फॉर्म एंड एफ एक्टिन मस्ट बी अ मोनोमरिक फॉर्म राइट और फिर बहुत सारे एफ एक्टिन मिल एज अ मोनोमर दे आर एक्टिंग बहुत सारे मोनोमर मिल आपका फिर एक पॉलीमर बनाते हैं विच इज नथिंग बट एक्टिन ओके सो वी कैन से फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो एक्टिन में मैं लिख दूंगा यहां पे कि एक्टिन इज मेड अप ऑफ बेसिकली एफ एक्टिन Which is acting as a monomer for what for G actin, and that G actin is actually acting as a polymeric form. Fine, so this is the correct answer. A next 26th question, which is saying that a sarcomere is best described as what is sarcomere? What is sarcomere? तो अगर हम सार्कोमियर की बात करें तो हमने जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना उससे हमने सार्कोमियर कहा था तो एक ऑप्शन डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं है हमें देखने की वट इज सार्कोमियर इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्टाइल मसल राइट सेकेंड हम सक, कह सकते हैं इट इज द रीजन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव Z दो Z लाइन के बीच का है है है? ना उसे आप आप कहते हो क्या? Call it Fine. तो आप क्या तो कह सकते हैं कि movable structure है या फिर सिंपल सी बात है it's a movable structure, right? जो कि में uh, पास आएंगे दिस इज हाउ मसल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तो इट्स स्ट्रक्चर फाइन तो इसमें से दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए कि फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है इट्स स्ट्रक्चर और ये जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है तो वी कैन से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी सेवन क्या कह रहा है देर आर थ्री ब्लैंक्स विच इज गिवन बिलो आपको बताना है कौन सा किसमें से क्या करेगा द थिन फिलाेंट ऑफ माइफाइब्रिल्स कंटेन डैश थिन फिल्मेंट कौन है एक्टिन एक्टिन के पास क्या होता है तीनों होते हैं एफेक्टिन ट्रोपोनिन राइट एंड टू ट्रोपोमायोसिनट तो आई कैन से एंड टू सेमेंट ऑफ बी प्रोटीन्स अलॉन्ग विद द सी सो लेट मी जस्ट चेक इट थे फिलाेंट ऑफ माइफाइब्रिल कंटेन टू एफ आपको दो फिल्म दो एफ एक्टिन होते हैं कि इस तरीके से दो की चेन बनती है तो एक जो एक्टिन होगा उसके पास दो एफ एक्टिन पाए जाएंगे तो पहले तो ये हो गया इनमें से इन दोनों को एलिमिनेट कर दो इन दोनों में से आंसर होगा फिर ये कह रहा है, एंड टू फिलाेंट ऑफ डैश

मसल फाइबर्स मसल फाइबर्स में ज्यादा क्या होता है माइटोकॉन्ट्रिया सिंपल आंसर है आपको पता है, कि जो आपकी है वो करती है राइट एंड दे है दे मस्ट है जिससे ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेंगे दे हैव प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ट्रिया दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ट्रिया के अलावा इनके पास और क्या ज्यादा होता है दे हैव मोर ब्लड वेसल दे हैव मोर मायोग्लोबिन बातें आपको पता होनी चाहिए राइट सो वी कैन ऑल्सो राइट दे हैव मोर ब्लड कैपिलरीज एंड दे हैव मोर ऑक्सीजन दे हैव मोर मायोग्लोबिन नेक्स्ट उंड बात है ट्वेंटी दैट ड्यूरिंग फटीक जब मसल फटीक होगा उस टाइम की आपको बात बतानी है तो मसल कैन नॉट रिलैक्स जब एक मसल फटीक थक जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी या मसल फेल टू स्टिमुलेट या फिर ब्लड सप्लाई ऑफ द मसल विल स्टॉप या नर्व सप्लाई तो नर्व तो वैसे ही रहने दो ये तो होगा ही नहीं राइट ब्लड सप्लाई जो है ये भी नहीं होगा इस वाली कंडीशन में ये दोनों ही नहीं हो सकते ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फटीक का मतलब क्या होता है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है मसल थक जाती है और फिर वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है राइट right? तो uh, मतलब अब वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे वो रिलैक्स नहीं हो पा रही है दिस इज वॉट आई कॉल एज वी कॉल इट फटिक ओके सॉरी मसल जो है वो रिलैक्स तो कर पाएगी मतलब वो रिलैक्स हो चुकी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब वो अपनी स्टेज में अटक गई है एंड नाउ इट बेसिकली कैनॉट स्टिमुलेट मतलब उस पर स्टिमुलस नहीं आ पा रहा है ना लेके अब वो उसको रिएक्ट उस नहीं कर पा रही है सिंगल पेयर ऑफ बोन सिंगल पेयर मतलब दो बोन्स की बात कर रहे हैं और दो बोन्स इनमें से कौन सी होती है एक्सटर्नलीयर में आपको बताया आपके पास कार्टिलेज होगा कोई बोन तो होगी नहीं फाइट सो देर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन एंड होप फुल आपको इस वन में आ गया होगा एंड दैट्स फॉर द सेशन होपफली यू इंजॉय दिस एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टडी एनी पटिकुलर टॉपिक चाहे आपको एक चैप्टर ही क्यों ना पढ़ना हो तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम लक्ष्य सर एंड आपको वो टॉपिक उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए एंड दट इज हाउ यू विल गेट दैट टॉपिक फाइन सो विल सी यू इन द अपकमिंग सेशन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन Uh, तब तक लिए पढ़ाई करते रहें सेफ रहें एंड नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर के और थर्टी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगाएंगे बाय बाय टेक केयर